बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समर्थन में हर हर मोदी नारे को लेकर सियासत तेज हो गई है। साधु संतों के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस नारे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी के नारे के खिलाफ काले झंडे लेकर नारेबाजी की और इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। एक दिन पहले इलाहाबाद में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी के हर हर मोदी के नारे के खिलाफ डर डर मोदी थर थर मोदी के पोस्टर जारी किए थे। आपको बता दें कि एक दिन पहले द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद ने इस नारे पर आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद मोदी ने ट्वीट कर समर्थकों से इस नारे से परहेज करने की अपील की थी और कहा था कि वो इस नारे का इस्तेमाल ना करें। लेकिन लगता है कि अब इस मुद्दे को सियासी पार्टियों ने पकड़ लिया है और मोदी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर, इसमें नारा लिखा हुआ है हर हर मोदी घर घर मोदी, पोस्टर पर काली पोती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद में एक पोस्टर समाजवादी पार्टी ने जारी किया है जिसमें लिखा है थर थर मोदी डर डर मोदी, यानी कि इस नारे को लेकर नारे के जरिए सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। हालांकि कल ही नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा था अपने समर्थकों से कि वो अति उत्साह में ऐसे नारे का इस्तेमाल ना करें। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस नारे से परहेज करें। तस्वीरों को आप देखिए, वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जो नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर काली पोत रहे। इनका कहना है कि हर हर मोदी इस नारे का इस्तेमाल कर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। अशोक, कल हमने बात की थी साधु संतों से, आपसे भी हमारी बात हुई थी और वहां के लोगों ने बताया था कि किस तरीके से यहां पर इस नारे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वो दुखी हैं और अब लगता है कि अब विपक्षी पार्टियां भी इस नारे को लेकर जो विवाद छिड़ा है इसे एक मुद्दे के तौर पर उसमें उन्होंने अपना लिया है। जो बिल्कुल, अगर बात नरेंद्र मोदी की जाए और वाराणसी की जाए तो हर हर मोदी घर घर मोदी नारा जो है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत जरूर खड़ी कर रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आज इलाहाबाद में और सुबह ही यहाँ वाराणसी में विरोध किया है, जो नरेंद्र मोदी का पोस्टर है उस पर काली पोती और ये कहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो कुल मिलाकर एक तरफ नरेंद्र मोदी की तरफ से इस मामले को शांत कराने की कल अपील भी की गई थी और ये कहा गया था कि जो कार्यकर्ता है वो इस तरह के नारों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन समाजवादी पार्टी और समेत तमाम जो विपक्षी दल है वो इस मामले को तूल पकड़ाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, इसमें हम वाराणसी के 80 घाट पर खड़े हुए हैं, उनकी राय लेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को लेकर विरोध कर रही है, आज वाराणसी में इसमें विरोध किया गया है, इलाहाबाद में विरोध किया गया है, आपको क्या लगता है कि ये पूरे मामले को तूल पकड़ाने की कोशिश है? ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और ये ओछी हरकत है इस तरह का किसी को कालिक पोत देना, और नरेंद्र मोदी जी के मुख पे कालिक पोत देने से उनका कद कम नहीं होने वाला। फिर रही बात हर हर मोदी का नारा, ये तो मोदी जी के वो साधुवाद है कि उन्होंने अपील कर दिया कि ये नहीं कहना चाहिए, जबकि तुलसीदास जी ने लिखा कि सियाराम मैं सब जग जानू करहु प्रणाम जोर जुग पानी, तो उन्होंने तो सबके अंदर सियाराम का दर्शन किया प्रत्येक मानव मात्र में। फिर ये छोटे मोटे लोग इस तरह का आपत्तिजनक बात कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो स्वयं शंकर अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं उनको काफी आपत्ति है, उनका कहना है कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और ये विरोध पूरी तरह से जायज नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल।